नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम अकाउंटिंग की कुछ डेफिनेशंस के बारे में चर्चा करेंगे। मैं आपको कुछ डेफिनेशन बताऊंगा। डेफिनेशंस बहुत ज़रूरी होती है अकाउंटिंग के अंदर। जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं कि आपको उसका बेस पता हो, तभी आप अकाउंटिंग को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड गुड्स। लोगों को डेफिनेशन तो पता होती है, लेकिन उनको प्रैक्टिकली पता ही नहीं होता है कि गुड्स और एसेट्स में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे फिक्स एसेट्स और लॉन्ग टर्म एसेट्स क्या होती हैं, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी क्या होती हैं। इन चीज़ों को हम इस वीडियो के अंदर आगे विस्तार से मैं आपको बताऊँगा। तो अगर आपको इन चीज़ों के बारे में अच्छे से समझना है तो वीडियो कंटिन्यू देखिए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, कॉमेंट करके बताएं, ताकि मैं ऐसे नए नए वीडियोस लेके आता रहूं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपको ये सारी डेफिनेशंस आती हैं, तो भी थोड़ी देर तक ये वीडियो जरूर देखें, आपको जरूर कुछ नया मिलेगा इसमें। सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड गुड्स। एसेट्स और गुड्स, एसेट्स को हिंदी में संपत्ति, गुड्स को हिंदी में माल बोलते हैं अकाउंटिंग के अंदर, लेखा शास्त्र के अंदर। तो एसेट्स और गुड्स में क्या डिफरेंस है, अगर आपको यह जानना है तो सबसे पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि एसेट्स और गुड्स की डेफिनेशन होती क्या है। तो दोस्तों, वैसे आपको पता होगा, मैं अगर अभी नाम लूं, जैसे लैंड क्या है, एसेट्स है या गुड्स है, तो शायद आप बोलेंगे एसेट्स है। मैं बोलूं बिल्डिंग एसेट्स है या गुड्स है, तो आप बोलेंगे भी ये तो एसेट्स होती है। मैं ऐसे प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, इन सब का नाम लूँ, तो आप कहीं ना कहीं, मोटर वैन वगैरह, कहीं ना कहीं आप यही बोलेंगे कि ये एसेट्स होती हैं। लेकिन मैं आपको कह दूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा एसेट्स हो। तो बिल्कुल, अगर आप ये सोचते हैं कि बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट वगैरह हमेशा एसेट्स होती हैं, तो फिर आप ये वीडियो ज़रूर देखें। देखिए दोस्तों, एसेट्स और गुड्स की डेफिनेशन ये है, ऐसी कोई भी प्रोडक्ट, ऐसी कोई भी वस्तु, ऐसी कोई भी चीज़ जिसे मैं, जैसे बिजनेसमैन हूँ, मैं एक बिजनेस हूँ, मैं एक व्यापार हूँ, मैं उस चीज़ को, उस प्रोडक्ट को, उस गुड्स को, उस प्रोडक्ट को, उस वस्तु को इसलिए परचेज करता हूँ ताकि मैं उसको बेचकर प्रॉफिट कमा सकूं। वापस सुनिएगा, अगर मैं किसी प्रोडक्ट या किसी वस्तु को इसलिए खरीदता हूं, इसलिए उसको परचेज करता हूं ताकि मैं उसको बेचकर प्रॉफिट कमा सकूं, तो वह वस्तु, वह प्रोडक्ट गुड्स होगा। अगर वही सेम प्रोडक्ट मैं इसलिए परचेज करता हूँ ताकि मैं उसको यूज़ करूँ और उस यूज़ करने से मुझे कुछ बेनिफिट हो, मुझे कुछ फैसिलिटी मिले, मैं उसको बेचता अगर नहीं हूँ, तो वो मेरे लिए एसेट्स हैं। दोस्तों, तो यहाँ पर सिंपल मैं तरीके से बताता हूँ आपको। जैसे अगर बिल्डिंग्स जो है, जैसे प्रॉपर्टी डीलर होता है, वो क्या करता है, बिल्डिंग्स, लैंड खरीदता है और उसके बाद उसको आगे बेचता है, तो बिल्डिंग, लैंड वगैरह, प्रॉपर्टी जो है वो उसके लिए गुड्स है, एसेट्स नहीं है। लेकिन अगर वो उन गुड्स, प्रॉपर्टी को अगर यूज़ करता है, उसको आगे बेचता नहीं है, तो वो उसके लिए एसेट्स हैं। कहने का सिंपल सा मतलब है, अगर किसी भी वस्तु को, किसी भी प्रोडक्ट को इसीलिए ख़रीदा जाता है ताकि उसको बेचकर प्रॉफिट कमाया जाए, बिजनेस किया जाए, उसका व्यापार किया जाए, तो वह गुड्स है। अगर किसी प्रोडक्ट या वस्तु को खरीद कर उसका यूज़ लिया जाए, बिजनेस में उसकी सुविधा का यूज़ लिया जाए, फैसिलिटी ली जाए ताकि वह बिजनेस को आगे ग्रो करवाए, तो वह एसेट है, उसको बेचा नहीं जाता है, तो वह एसेट्स हैं। बेचने का मतलब यहाँ पर खरीद कर तुरंत बेचना होता है, यूज लेना नहीं होता है, तो वह जो है वो गुड्स है, वरना वह एसेट्स हैं। तो ये डेफिनेशन है, अब आप खुद तय कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूँ आपको, फर्नीचर। तो अगर एक फर्नीचर का बिजनेसमैन है, वो फर्नीचर को परचेज करता है और आगे बेच देता है उसको तुरंत, तो उसके लिए गुड्स है। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यापारी है जो उस फर्नीचर को परचेज करके अपने बिजनेस के अंदर यूज करता है उसको, तो वो उसके लिए एसेट्स हैं। तो आपको डिफरेंस पता चल गया होगा एसेट्स और गुड्स के बारे में। तो दोस्तों, आइए अब मैं आपको बताता हूँ फिक्स एसेट्स और लॉन्ग टर्म एसेट्स के बारे में, फिर बात करेंगे करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के बारे में। दोस्तों, फिक्स एसेट्स या लॉन्ग टर्म एसेट्स बोल सकते हैं, ऐसी एसेट्स होती है जो एक साल से एक वर्ष के बाद में भी, मतलब जो एक अकाउंटिंग ईयर होता है, जो अकाउंटिंग जिसमें होती है एक साल का होता है नॉर्मली, तो वो एक साल तक
एक साल तक वो एसेट बेनिफिट नहीं दे, कई सालों तक बेनिफिट दे, तो वो फिक्स एसेट्स होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बिल्डिंग परचेज करते हैं अपने बिजनेस के लिए, तो वह बिल्डिंग आपको केवल एक साल बेनिफिट नहीं देगी, कई साल तक आपको वह बिल्डिंग जो है बेनिफिट देगी। क्या बेनिफिट देगी? आप उसके अंदर बिजनेस कर पाएंगे, तो वह फिक्स एसेट्स है। जैसे आप फर्नीचर परचेस करते हैं और उसका फायदा आपको कई सालों तक मिलता है, तो वह फिक्स एसेट्स हैं। यानी कि ऐसे एसेट्स जो 12 महीने नहीं, एक साल नहीं, उससे भी ज़्यादा पीरियड के लिए आपको बेनिफिट देती है, तो वो फिक्स एसेट्स या लॉन्ग टर्म एसेट्स होती हैं। और ऐसी एसेट्स जो 12 महीने के अंदर आपको बेनिफिट देती है, तो उसको करंट एसेट्स बोल सकते हैं अपन। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको अब डिफाइन करता हूँ करंट एसेट या करंट लायबिलिटी के बारे में। दोस्तों जो मैं बोल रहा हूँ उन शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, उन वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। करंट एसेट्स यानी कि ऐसी एसेट्स, करंट एसेट्स का मतलब ऐसी एसेट्स, हिंदी में चालू संपत्तियां बोलते हैं। तो करंट एसेट्स मतलब ऐसी एसेट्स जो 12 महीने के अंदर अंदर, एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर अंदर, एक वर्ष के भीतर ही कैश में कन्वर्ट हो जाती है, वो करंट एसेट्स होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं दूं तो करंट एसेट्स के एग्जांपल हैं कैश, अभी आप गले से निकाल सकते हो, कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बैंक, डेटर, डेटर क्या होते हैं? अगर किसी को उधार माल बेचते हैं तो जिनको उधार माल बेचते हैं उनको डेटर यानी कि देनदार बोला जाता है। तो उधार माल अपन ने बेचा है, सेल किया है, तो अपन कब तक पैसे ले लेंगे? क्या साल भर तक रुकेंगे? नहीं, एक साल के अंदर अंदर उससे वापस पैसे अपन ले लेंगे। इसीलिए डेटर कैसी एसेट होती है? करंट। स्टॉक, स्टॉक का मतलब वो होता है कि जो माल अपन ने परचेज किया है बेचने के लिए, उसको स्टॉक बोलते हैं, जो अभी तक बिका नहीं है उसको स्टॉक बोलते हैं। क्या इसको अपन 12 महीने बाद बेचेंगे? नहीं, उससे पहले पहले बेच देते हैं इसको, इसीलिए ये भी करंट एसेट्स है। ऐसे कैसे बीआर होते हैं, एक गारंटी वाले होते हैं जिनको पेपर पे लिखा दिया जाता है, इनको भी माल ही बेचा जाता है, तो ये भी एक तरह की करंट एसेट्स होती है। तो ऐसे और भी कई एग्जांपल है जो आपके एक साल के अंदर अंदर जो है कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपको फायदा दे देंगे, तो वो करंट एसेट्स होती हैं। करंट लायबिलिटी पे आ जाते हैं बेटा, इसको हिंदी में बोलते हैं चालू दायित्व। करंट लायबिलिटी का मतलब ऐसी लायबिलिटी से है जिसका पेमेंट एक साल के अंदर अंदर करना है। करंट लायबिलिटी मीन्स ऐसी लायबिलिटी जिसका पेमेंट एक साल के अंदर अंदर करना है। जैसे अगर आपने फॉर एग्जांपल बैंक लोन ले लिया है, अगर उस बैंक लोन का पेमेंट आपको एक साल के अंदर अंदर करना है तो वो करंट लायबिलिटी है। लेकिन अगर उसका पेमेंट आपको कई सालों के अंदर किस्तों में करना है तो वो करंट लायबिलिटी नहीं है, वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। तो ऐसी कोई भी लायबिलिटी, ऐसा कोई भी दायित्व जिसका पेमेंट एक साल के भीतर, 12 महीने के भीतर भीतर करना है, वह करंट लायबिलिटी होती है। फॉर एग्जांपल अगर लें तो बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, इसका मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट भी एक साल के अंदर अंदर करना होता है, इसलिए यह करंट लायबिलिटी होती है। इसके अलावा क्रेडिटर, क्रेडिटर्स क्या होते हैं? तो क्रेडिटर्स जो होते हैं वो होते हैं जिनसे अपन उधार माल परचेज करते हैं, मतलब अपने सप्लायर होते हैं, वो अपन को उधार माल बेचते हैं और अपन उनसे उधार माल परचेज करते हैं, क्रय करते हैं, खरीदते हैं। तो अपन को उनको पेमेंट कब करना पड़ेगा? एक साल के भीतर ही करना पड़ेगा, इससे ज़्यादा उधारी थोड़ी मिलेगी, टाइम पीरियड इतना ही मिलता है। तो एक साल के अंदर इस लायबिलिटी का पेमेंट करना है, इसलिए यह क्रेडिटर है। इसके अलावा ऐसी कोई भी लायबिलिटी जिसका पेमेंट जो है वो एक साल के अंदर अंदर करना होता है, वह करंट लायबिलिटी होती है। दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, डेटर, क्रेडिटर, बीआर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, इन सब के ऊपर मैं वीडियोस बना चुका हूँ, इनकी डेफिनेशन अच्छे से बता चुका हूँ कि ये चीज़ें क्या होती हैं। उन वीडियोस का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, तो वहाँ पर क्लिक करके आप ये वीडियोज़ भी देख सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।